पेस्ट्री, जो बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें पफ पेस्ट्री बनाना सिखा दें, जिससे हम बहुत सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, जैसे कि क्रीम रोल, चिकन पैटीज, बाकरखानी, ये चीज़ें जो होती हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। तो आज उसके लिए हम चीज़ें लेंगे, जो 4 कप मैदा ग्राम्स में होगा 500 ग्राम, 6 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर बटर, नमक लेंगे 2 टीस्पून और पानी लेंगे हसबे ज़रूरत। पफ पेस्ट्री तैयार करने के लिए मैंने लिया है मार्जिन 250 ग्राम। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए सेंटर में जगह छोड़ेंगे, नमक डालेंगे इसमें, सेंटर में बटर डालेंगे और साथ में ठंडा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। सॉफ्ट आटा गूंदना है हमने। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे गूंदेंगे। अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंद के इसे रख देंगे। आटे को हमने गूंद लिया, तकरीबन 5 मिनट तक हमने अच्छा सा आटा गूंद लिया। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है ये गूंद लिया। अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए। अब इसे हम कवर करके रख देंगे इस तरह। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे इसे तकरीबन 6 घंटे के लिए। छः घंटे हो चुके हैं, डो हमारी अच्छी से हो चुकी है। अब हम इसे बेल के पफ पेस्ट्री तैयार करेंगे। पहले डस्ट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर डस्ट करेंगे। अब इसको बेलेंगे। हमने बेल लिया। अब हम इस पर मार्जरीन लगाएंगे, सारा मार्जरीन लगाएंगे इस तरह। सारा मार्जरीन स्प्रेड कर लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे हम। ये हो गया। अब इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। अब इसको उठाएंगे। इसे कवर कर दिया। अब इसे रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है। अब फिर से हम इसे बेलेंगे, डस्ट करेंगे। इसको निकालेंगे। थोड़ा सा ऊपर डस्ट करेंगे। और इसको हम बेलेंगे हल्के हाथ से। ये बेल लिया हमने। अब इस पर फिर से हम मार्जरीन लगाएंगे, फिर से मार्जरीन लगाएंगे। ये सारा हमने लगा लिया मार्जरीन। अब इसे फोल्ड देंगे, बुक फोल्ड देंगे हम। यहाँ से उठाएंगे इस तरह। इस तरह। और इधर से उठा के ऊपर रख देंगे।
अब फिर से इसे रखेंगे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में पैक करके। आधा घंटा हो गया, अब फिर से हम इसे बेलेंगे। अब होगा थर्ड स्टेप, पहले था फर्स्ट फिर सेकंड, अब होगा थर्ड स्टेप। पहले डस्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर डस्ट करेंगे और इसको हल्का हल्का सा बेलेंगे, दबाव में नहीं, हल्का हल्का सा। अगर आप ये पफ पेस्ट्री तैयार कर लेंगे तो आप पफ पेस्ट्री से बहुत सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। बस यही है जो आपको आ जाए और आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं इससे, बेकरी की हर चीज़ तैयार कर सकते हैं, जैसे कि चिकन पैटीज, बकरखानी, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, क्रीम रोल वगैरह जो भी होता है वो आप बना सकते हैं। ये हो गया, अब हम इस पर मार्जिन लगाएंगे। मार्जिन लगा लिया, अब इसे फिर से फोल्ड करना है हमने इस तरह। इसको लेंगे इस तरह, ये हो गया। अब फिर से इसे हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन आधे घंटे के लिए, कवर करके फिर से रखेंगे आधे घंटे के लिए इसे। आधा घंटा हो चुका है, अब आप इसे फिर से बेलेंगे। डस्ट करेंगे उसके मैदे का, इसे हल्का हल्का सा बेल लेंगे। ये सारा हमने बेल लिया, अब इस पर फिर से हम मार्जिन लगाएंगे। ये सारा हमने लगा लिया, अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह, इस तरह, और इसे ऊपर दे देंगे। और इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे कुछ मैदे का और इसको हल्का सा हम बेलेंगे, हल्का सा। ये हो गया, अब हम इसे फिर से रखेंगे पैक करके तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, अब हम इसे फिर से बेलेंगे, डस्ट करेंगे खुश्क मैदे का। मार्जिन अब हमने नहीं लगाना, मार्जिन लग चुका है, अब हम इसे बस फोल्ड देंगे। डस्ट करेंगे खुश्क मैदे का ऊपर, इसे फोल्ड करेंगे, इसे रोल करेंगे इस तरह, लाइट लाइट सा। ये हो गया, और इसे फोल्ड करेंगे, इस तरह करके, इस तरह फोल्ड दे देंगे। फिर से इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे, कवर करके रेफ्रिजरेटर में तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे, फिर से इसे बेलेंगे, लास्ट मरतबा है ये, और हमारी पाफ पेस्ट्री तैयार हो जाएगी। ऊपर डस्ट करेंगे और हल्का हल्का सा बेल के इसे
से रोल करते हैं। ये हो गया, अब इसे फोल्ड करेंगे। पफ पेस्ट्री तैयार है, अब इसे पैक करके आप 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 महीने रखें रेफ्रिजरेटर में और इस्तेमाल करें। कोई सा भी बेकरी की जो भी चीज़ें होती हैं वो बना लें और इसे इंजॉय कीजिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको इस पफ पेस्ट्री से बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।